समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का, और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे, आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। नौता नहीं मिला, नौता मिला, अरे नौता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है, और ना वो हमको दोस्त मानते हैं ना हम उनको दोस्त मानते हैं, ठीक है। तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है, तो हमारी लड़ाई है जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और काम करने से आपको भी पता है कि किसने रोका, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा, तो गुनहगार तो वो है। अच्छे लोग जो है वो हमारे पार्टी को छोड़ के नहीं गए। हाँ, निश्चित तौर पर जिनका जल्दी विधायक बनना है, जिनको सांसद बनने का इच्छा है, ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है और वो दूसरे रास्ता ढूंढते हैं, तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बिहार में 3800 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड में 80 जिला का दौरा भी करेंगे, 4 नवंबर को समापन करेंगे, उसके बाद फिर समय आएगा। अभी चुनाव जो है 2024 में है, बहुत दूर है, परसों से हम लोग मैदान में उतरेंगे, और परसों जो आपको एक कार्यक्रम जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में है वो ट्रेंडिंग वाला कार्यक्रम दिखेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपने कुनबे को बढ़ा दिया है, लेकिन वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी किस करवट लेंगे, इसको लेकर लगातार केवल चर्चाएं ही चल रही है। आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ, कब तक अपने गठबंधन को लेकर खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे। इन तमाम सवालों पर मुकेश सहनी ने क्या कुछ जवाब दिया वो पहले आप सुनिए। अभी हम किन्हीं के साथ नहीं है, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं, निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य मैं नहीं आया था। मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है, और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया, और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारे चीजें किया और वहाँ पे हमें किस तरीके से लोगों ने परेशान किया, ये आप सभी को जानकारी में है। तो आप सभी को जानकारी में है, तो अभी हम किसी किन्हीं के साथ नहीं है, हम वीआईपी पार्टी के साथ है, निषाद समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का, और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे, आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे का रणनीति फिर हम 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मना के फिर आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि राजनीति और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये तो देखिए, हम किसी का भाव लेने के लिए नहीं आए हैं, और हम अपना काम करने के लिए आए हैं, और निषाद समाज का फिक्र अगर किसी को होगा तो भाव देगा, अगर निषाद समाज का फिक्र अगर कोई नहीं करते हैं तो क्यों भाव देंगे। उनको लगेगा कि निषाद समाज का वोट यूं ही मिल रहा है तो क्यों भाव देंगे, उनको लगेगा कि निषाद समाज का वोट अभी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें वो ताकत दिया है कि हमारे वोट से ना देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अगर प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो निश्चित तौर पे हमें भाव देंगे, अगर हम नहीं है तो हमको क्यों देगा। तो रहा कि हम भाव कोई दे या ना दे, उनके लिए हम नहीं आए हैं, हम अपना काम करने के लिए आए, संघर्ष करने के लिए आए। ये आज़ाद भारत में हमारे पूर्वज ने, हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, देश को आज़ादी दिलाया, लेकिन आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है, तो हमारी लड़ाई है जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आप सरकार में रहते हैं तो सब चीज बात करते हैं, जैसे ही सरकार से लोगों के साथ की बात की
नहीं, निश्चित तौर, देखिए हमने अभी पार्टी की बात किया, इस मंच पे देखिएगा तो सभी वर्ग के लोग यहाँ पे बैठे हैं। रहा कि हमारे एक सभी पार्टी का अपना बेस है, अपने काम करने का तरीका है, तो हमने डे वन से निषाद समाज का आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपको हमने बोला ना पार्टी के लिए, पार्टी में सभी दल हैं। जब चुनाव होता तो आपने देखा कि सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने जगह दिया, लेकिन पार्टी का कैडर वोट निषाद है और हम निषाद की बात हर मन से करते आ रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उसे मुझे परवाह नहीं है। निषाद समाज के लिए हर मन से हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, सरकार में रहे या ना रहे तो हम हमेशा बात करते रहा कि हम ये वो व्यक्ति हैं, वो विचारधारा हमारे पास है कि मैं चाहता हूँ कि हर जाति धर्म में जो गरीब है उसको कल्याण होना चाहिए, सरकार को बेहतर से बेहतर उसको व्यवस्था करना चाहिए। ये विचारधारा वाला व्यक्ति हम। जी देखिए, जितना समय हमको मिला उस समय में जितना हो सकता था मैंने काम किया, और काम करने से आपको भी पता है कि किसने रोका, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा, तो गुनहगार तो वो है। अब रहा कि हमको जितना मौका मिला हमने काम किया, मुझे पता है कि मैंने काम किया, निश्चित तौर पे बहुत काम करना बाकी है और बहुत काम बचा हुआ है, और आने वाला समय में ये काम भी हम ही करेंगे। हमें भी पता है कि ये काम हम ही को करना पड़ेगा और आने वाला समय में वो भी रास्ता ढूंढ लेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और वो काम करेंगे। देखिए जो अच्छे लोग हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे एक व्यक्ति भी अच्छे लोग जो है वो हमारे पार्टी को छोड़ के नहीं गए। हाँ, निश्चित तौर पे जिनका जल्दी विधायक बनना है, जिनको सांसद बनने का इच्छा है, ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है और वो अब दूसरे रास्ता ढूंढते हैं, तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि ऐसे लोगों को जो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, मैं शुभकामना देता हूँ कि उनको जल्दी वहाँ पे मंजिल मिल जाए, वो विधायक सांसद बन जाए। हम लोग सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आए, अभी भी पार्टी के अंदर में जितने भी साथी हैं वो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनसे अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि आपको अगर भविष्य में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है तो ही मेरे साथ आइए। विधायक और सांसद बनने का उद्देश्य अगर है आपके मन में तो आप कल नहीं आज ही चले जाइए, क्योंकि कल आप निश्चित चले जाइएगा। जब हम अगर कामयाब नहीं होंगे तो आप हमें छोड़ के जाइएगा, तो अगर आज साथ हैं तो काम कीजिए ताकि हम भी कामयाब हो, आगे आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आप अगर विधायक सांसद बनने के लिए आ रहे हैं तो कल जाना है तो आज ही आप चले जाइए, ऐसे में हर बात व्यक्ति से। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, पहले तो सामने वाले को जिनको बुलाना है उनको उनसे बात कीजिए आप लोग। अभी हमने देखा कि नौता नहीं मिला, नौता मिला, अरे नौता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है, और ना वो हमको दोस्त मानते हैं ना हम उनको दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे, तो या हम अपने दोस्त उसको नहीं मानते हैं तो बुला, जिनको बुलाना पहले उनसे बुलाइए, बोलिए, पूछिए ना कि वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। नहीं, देखिए पर्सनली संबंध हमारा पहले भी था और आज भी है, किसी से खराब नहीं है। रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के लिए जीते हैं और अपने विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पर्सनल संबंध किसी से खराब नहीं है, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे पर्सनल संबंध किसी से खराब ना करें। वो समय आएगा, देखा जाएगा। अभी तो जो पहले ये देखिए ना कि बिहार में 3800 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड में 80 जिला का दौरा भी करेंगे, 4 नवंबर को समापन करेंगे, उसके बाद फिर समय आएगा। अभी चुनाव जो है 2024 में है, बहुत दूर है, तो इसलिए अभी हम लोग अपने पार्टी को अभी परसों से हम लोग मैदान में उतरेंगे, और परसों जो आपको एक कार्यक्रम जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में है वो ट्रेंडिंग वाला कार्यक्रम दिखेगा, पूरा देश लेवल पर ट्रेंड किया जाएगा, ऐसा कार्यक्रम आपको परसों का कार्यक्रम आपको वीरांगना पुलन देवी जी का साधना दिवस मनाया जाएगा, और उस रोज से यात्रा हमारा निकलेगा और आपको कार्यक्रम देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अभी आप सुन रहे थे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जो कि साफ अभी कह रहे हैं कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि एनडीए में जाने की उनकी चर्चा हमेशा चलते रही है। हाल ही में दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, लेकिन बिहार की राजनीति से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो शामिल हुए, लेकिन मुकेश सहनी कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना वो हमारे दोस्त हैं और ना हम उनके दोस्त हैं, ऐसे में वो गठबंधन की बैठक में हमको क्यों बुलाते। अपने आगामी रणनीति को लेकर मुकेश सहनी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि 25 जुलाई को
जो फूलन देवी की शहादत दिवस है उस दौरान जो बैठक होगी पार्टी की, जो कार्यक्रम है उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि मुकेश सहनी 24 का चुनाव किस गठबंधन के तरफ से लड़ेंगे ये अब तक केवल सस्पेंस ही बनकर रह गया है। मुकेश सहनी के लिए भी शायद ये समय जो है अब तक अनुकूल नहीं है कि राजनीतिक तौर पर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकें। बन रही है लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।